हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। राजधानी रांची के डंगरा टोली चौक स्थित ईस्टर्न मॉल में अंकुरम आईवीएफ सेंटर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस आईवीएफ सेंटर में उच्च अनुभव के विशेषज्ञ और भ्रूण विशेषज्ञ के द्वारा यह क्लिनिक खोला जा रहा है, जिसको नैतिक मानकों और भारत में बनाए नए ARTB 2022 विनियम नीतियों को लागू करने के लक्ष्य के साथ लाया जा रहा है। साथ ही अंकुरम आईवीएफ सेंटर विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ पुरुष और महिला प्रजनन उपचार एवं देखभाल के लिए खोला जा रहा है। यह आईवीएफ सेंटर न्यूनतम कीमत पर सर्वोत्तम सुविधाओं से लैस सर्वश्रेष्ठ आईवीएफ उपचार प्रदान करने के संकल्प के साथ आया है। ये बातें आज एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया। इस प्रेस वार्ता में आईवीएन विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, भूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राज नारायण साहू और इसके डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह मौजूद रहे। अंकुरम आईवीएफ, मैं बताना चाहूँगी कि कल 13 मार्च को अंकुरम आईवीएफ का इनॉग्रेशन है। ये एक फर्टिलिटी सेंटर है जिसमें कि हर उन कपल का इलाज होगा जो कि माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, जिन्हें किसी कारणवश प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, उन हर मरीजों का इलाज यहाँ पर होगा। यहाँ पे जितनी भी फर्टिलिटी से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन, IUI, IVF, ICSI या फ्रीजिंग, आजकल एग फ्रीजिंग भी काफ़ी कॉमन हो गई है, स्पर्म फ्रीजिंग भी काफ़ी कॉमन हो गई है, सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल भी ओपन करने जा रहे हैं। और साथ में ये भी बताऊंगी कि जो हमने खर्च रखा है वो काफ़ी दूसरे हॉस्पिटल के कंपेरिजन में हमने काफ़ी कम रखा है, और वो इसलिए रखा है कि लोग को अफोर्डेबिलिटी रहे। और हम लोग यहीं के हैं, झारखंड के ही हैं, और ये हॉस्पिटल हमारा खुद का है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई ऐसे कपल या मरीज़ आते हैं जिन्हें बस पैसे की वजह से वो माँ प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ज़रूर उनके लिए ऐसे आप कुछ करेंगे जिससे वो माता पिता रहने से वंचित ना रहे। मैं बोलूँगी गवर्नमेंट को, आयुष्मान में अभी तक इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, पर मैं ज़रूर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको आयुष्मान में आप इंक्लूड ज़रूर करवाइए ताकि लोग इसकी सुविधाओं को ले सकें। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं यही बोलूँगी कि लोग इन्होंने ये भ्रांतियाँ सच में रहती हैं कि दूसरे का बच्चा होता है, लेकिन ऐसा एकदम नहीं होता है। इनफैक्ट जो मूवीज ही बनी है दे है टोटली रॉन्ग। इसके पीछे काफ़ी मतलब ये भी हुआ कि आवाज़ें भी उठाई गई कि आपने जो मूवीज़ में दिखाया है कि चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर हमारी लेबलिंग होती है, हम लोग डबल ट्रिपल क्वाड्रपल टाइम रीअश्योर करते हैं कि किसका नाम है, किसका आइडेंटिफिकेशन जो ID हमारी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसे मिलाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी का किसी से मिसमैच कर दें, क्योंकि एक मेडिको लीगल केस होता है। बता रही हूँ, कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट जो है थोड़े 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 पैसे करके खर्च कर देते हैं, जब उनको जोड़ा जाए तो पता चलता है वो एक IVF से ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन उन्हें लगता है कि अरे IVF में तो जाएंगे तो एक साथ पैसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मरीज आते हैं पहले हम देखते हैं कि कारण क्या है, किस कारण की वजह से उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा IVF की ही ज़रूरत पड़ती है। IVF के पहले भी कई तकनीक होते हैं, IUI होती है या ओवुलेशन इंडक्शन होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, पहले हम उससे कोशिश करते हैं कि पहले अगर दवाइयों से या कम खर्च वाली चीज़ों से हो जाए, IUI जस्ट 4 से 5 हज़ार में होता है, अगर हो जाए तो हम उससे करें। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनका इंडिकेशन ही होता है IVF, जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज में अगर किसी मरीज की है तो बेस्ट होता है IVF में जाना। कई बार बाहर में लोग उन्हें बोलते हैं कि आप सर्जरीज करा लीजिए, पर सर्जरी में अगर मैं देखती हूँ कि सर्जरीज का सक्सेस रेट इज़ ओनली 4%, बल्कि IVF का सक्सेस है लगभग 70-80%। सर्जरीज में मेरे 40-50 हज़ार खर्च हो जाते हैं, जबकि एक IVF की बात करूँ तो मैं 1.25 लाख से 1.5 लाख में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि IVF इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द पेशेंट, ऐसी नहीं है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, लेकिन लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमें प्रेगनेंसी या नी संतान का हम बार बार बोलते हैं तो हर चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं।
अगर यदि वो कुछ अलग जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है जिसके कारण नहीं पता, हो सकता है वो IVF से हो जाए, उसके बाद नेचुरली उससे हो सकता है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि नहीं होगा। समझ में आता है ये लोग अंकुरम IVF के साथ कि जो थीम है कि जो भी टेक्नोलॉजी जो आउटसाइड झारखंड है वो हमारे झारखंड में है, अंकुरम IVF उसी लिए बना है, और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी ऑफ IVF तो जो भी लेजर हैचिंग एंड ऑल जितने ये सारे इन्होंने जब भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया, ये सारी टेक्नोलॉजी अब उसके लिए हमारे को जैसे हमारे छोटे शहर में रहने पे हम लोग को एक ही चीज़ को समझ में आता है, कुछ भी ट्रीटमेंट है रांची में कुछ नहीं है बाहर जाओ, कुछ भी बीमारी हुआ अरे यहाँ पे डॉक्टर ऐसे नहीं है वहाँ जाओ, इस थॉट ब्लॉक को ब्रेक करना है, और इसी थॉट ब्लॉक के को ब्रेक करने के सिक्वेंस में अंकुरम IVF भी डेवलप किया गया, जिसमें पेशेंट्स को RT ART और ये जो IVF का जो फॉर्मूला है और जो तरीके से जो बच्चों का इलाज होता है वो अब डिफरेंट नहीं है कि आप कहीं US चले गए UK चले गए, बाहर से कंट्री से भी लोग आके यहाँ IVF करा रहे हैं, जस्ट क्योंकि कॉस्ट प्राइस इंडिया में बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्री, तो अगर वो फैसिलिटी अगर हम यहाँ डेवलप करेंगे तो नॉट ओनली झारखंड अदर स्टेट से भी लोग आकर यहाँ पे वो सारा चीज़ में सारे ट्रीटमेंट को अवेल करेंगे।